क्या आपके भी घर में लौकी खाना किसी को पसंद नहीं है और आपके घर में बहुत कम लौकी और कद्दू की सब्जियां बनती हैं, तो बस आप एक बार लौकी की सब्जी को इस तरह बनाइए, चने दाल के साथ सब मांग मांग कर खाएंगे। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका राठ की रसोई में। तो बस ये देखिए, आज मैं लौकी लेकर आ गई हूँ। ये मैंने 1/2 kg लौकी ली है और इसको मैं बनाऊंगी चने दाल के साथ। इसकी रेसिपी फ्रेंड्स इतनी सरल है, इतनी इजी है और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। अगर आप एक बार इस तरह से लौकी बनाकर खा लेंगे ना, तो यकीन मानिए आप हमेशा इसी तरह से लौकी की सब्जी बनाएंगे और आपके बच्चे बहुत इंजॉय करके खाएंगे इस सब्जी को, क्योंकि इसका टेस्ट लगता ही बहुत यम्मी है। तो बस चलिए हम बनाना स्टार्ट कर लेते हैं ये लौकी की सब्जी। ये देखिए, इसके लिए हमने ये 1/2 kg लौकी ले ली है और फ्रेंड्स बस इसे हम छील लेंगे। तो इसको धोकर पहले ही मैंने साफ कर लिया था और इसे अब हम फटाफट से छील लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हो सके तो आप भी एकदम सॉफ्ट लौकी लीजिएगा जिसमें बीज ना हो, पर मेरी लौकी में हल्के से बीज हैं आज, पर कोई नहीं, हम इसी लौकी से बना लेंगे। और देखिए, हम इसकी दोनों साइडिंग अलग कर देंगे और अब हम इसे कट करेंगे। तो फ्रेंड्स हमें इसके थोड़े बड़े बड़े ही पीस रखने हैं। आपको जिस तरह काटना आसान लगे आप उस तरह से काटिए, बस पीस थोड़ा बड़े रखिए। ये देखिए, इसमें हल्के हल्के से बीज हैं तो हम इन्हें अलग कर देंगे। अगर आपके पास बिना बीज वाली लौकी है तो आप ऐसे ही काट लीजिएगा, उसे अलग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और बस देखिए, हम इसको फटाफट से कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहती हूँ कि ये रेसिपी मेरी भतीजी की है। तो फ्रेंड्स मैंने जब उसे बताया कि मेरे बच्चों को लौकी बहुत कम पसंद है और वो बहुत ही कम खाते हैं गर्मियों में हरी सब्जियाँ, तो उसने मुझे चने दाल के साथ बनाने वाली रेसिपी बताई। और जब मैंने बनाई तो मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को सबको ही बहुत पसंद आई ये सब्जी। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना तो बनता है। और ये लीजिए, बातों बातों में ही लौकी कट हो गई। और ये देखिए, एक कटोरी हमने ये चना दाल ली है जिसको हमने 1 घंटे पहले भिगो दिया था और बस ये फूल गई है फ्रेंड्स। तो बस देखिए, हमने लौकी को धोकर इस कुकर में डाल लेना है। और ये देखिए चना दाल है तो इसका भी हमने पानी अलग कर दिया है क्योंकि हम उसे मेजरमेंट के साथ डालेंगे। और देखिए इसे हम डाल देंगे। और देखिए, 1 कटोरी हमने चना दाल ली थी तो इसके साथ हम 4 कटोरी पानी डालेंगे। तो बस फ्रेंड्स हमें 4 कटोरी पानी डालना है, ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट रहता है। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी या पतली करनी है तब आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और देखिए, 1/2 teaspoon से थोड़ा ज़्यादा नमक और 1/2 teaspoon ही हल्दी पाउडर डाल देना है। और बस हम इस कुकर को बंद कर देंगे और रख देंगे फ्लेम पर। तो फ्रेंड्स अब इसको हमें मीडियम टू स्लो फ्लेम में पकाना है और इसमें 3 whistles आने देनी है। और ये लीजिए, इसमें 3 whistles आ चुकी है फ्रेंड्स। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसकी स्टीम अपने आप निकलने के लिए इसे साइड कर देंगे। चलिए तब तक हम इसमें तड़का की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए देखिए, हम 1.5 चम्मच तेल डालेंगे। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ सरसों के तेल का यूज कर रही हूँ और जैसे ही तेल गर्म हो जाए इसमें डाल देना है हमको हींग। तो फ्रेंड्स बस 1 चुटकी हींग का यूज करेंगे हम। ये देखिए, हमने 1 चुटकी हींग डाल दी है और डाला है 1/2 teaspoon जीरा। और फ्रेंड्स जैसे ही जीरा चटक जाए तो हम डाल देंगे ये 2 कलियां लहसुन की जिसे हमने ग्रेट कर लिया है। तो ये गर्मियां हैं फ्रेंड्स, इसलिए हमने 2 कलियां ही ली हैं। और देखिए, थोड़ा सा हमने अदरक ले लिया है, इसको भी हम ग्रेट करके ही डालेंगे। और मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। बस थोड़े से मीठी नीम के पत्ते डाल देंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ये करी लीव्स हैं। और बस देखिए, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए बस हम डाल देंगे 2 कटे हुए प्याज। तो हमने इन्हें बारीक काट के ही डाला है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है, आप भी बारीक कट करके ही डालिएगा। और बस इन्हें भून लेना है। और फ्रेंड्स मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है तो प्लीज से लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताया करिए कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती है और आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रही हैं। ये देखिए, हमने 2 हरी मिर्च डाल दी और 2 छोटे छोटे कट करके टमाटर डाल दिए हैं। और यहाँ पर मैंने हरी मिर्च का यूज साबुत ही किया है क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, आप जनरली कट करके ही डालिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, बस इसमें मसाले ऐड कर लेंगे जैसे ही टमाटर गल जाएं। और बस 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1/2 teaspoon लाल मिर्च पाउडर, 1/2 teaspoon गरम मसाला और 1/2 teaspoon कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। और बस सबको थोड़ा सा भून लेना है। और फ्रेंड्स मैं आपसे फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज से लाइक कर दीजिए और यकीन मानिए इसका टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है, एक बार आप इस तरह से लौकी की सब्जी बनाकर खाइएगा ना, यकीन मानिए आपके घर में ये सबकी फेवरेट हो जाएगी और गर्मियों में इसकी डिमांड बहुत बढ़ जाएगी।
बस फ्रेंड्स देखिए हमारा मसाला भुनने को आ गया है। तो चलिए अब हम अपने कुकर की तरफ चलते हैं। देखिए इससे स्टीम निकल चुकी है और ये कुकर हमारा खुलने को तैयार है। देखिए परफेक्ट कितना बढ़िया कलर आया है ना फ्रेंड्स, कितना बढ़िया कलर लग रहा है। तो बस देखिए हम यहाँ पर देख लेंगे, ये लौकी और ये जो दाल है दोनों गल चुकी हैं अच्छे से। हमें बस इतनी ही चाहिए, बहुत ज़्यादा मैसी नहीं करनी है। और देखिए बस हम डाल देंगे अपने तड़का पैन में। और ये देखिए बस इसे अब हम ऐसे तड़का के साथ 2 मिनट और पकाएंगे, उससे फ्रेंड्स फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। मसालों में दाल सब्जी ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी, बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए 2 मिनट हो गए हैं और हमारी दाल सब्जी बनके तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स मुझे आप ये कमेंट करके बताइएगा इसे हम दाल का नाम दें या सब्जी का, तो जरूर से कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार करती हूँ। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स हमारी सब्जी तैयार हो गई है। तो बस अब हम इसे छोटू मोटू सी कढ़ाई में सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं। और ये देखिए इसका टेक्सचर कलर कितना खूबसूरत है ना, और यकीन मानिए जितनी ये देखने में खूबसूरत है ना उससे कई ज्यादा खाने में टेस्टी लगती है। और देखिए आज मैंने इसके साथ चावल बनाए हैं, तो आज हम इसका टेस्ट चावल के साथ करेंगे। और ये चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छी लगती है। Thanks for watching. Bye-bye.